नमस्कार, मैं अंशिका सिंह। दिन भर की सुपर फास्ट लोकल खबरें देखने के लिए शाम 7 बजे से बने रहिए मेरे साथ। पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली और लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया। प्राचार्य प्रदीप यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा, लोकतंत्र के पर्व में सभी को अपनी आहुति देनी चाहिए, सभी जरूरी कार्य छोड़कर मतदान करें और देश प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जाति धर्म से उठकर योग्य उम्मीदवार का चयन करें। छात्रों ने छोटू राम भगत राम चौक पर साइकिल के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। स्कूली छात्र नुक्कड़ नाटकों के द्वारा भी लोगों को जागरूक करते रहे हैं। डॉक्टर पवन धनवाल की टीम लगातार गांवों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जुटी हुई है। डॉक्टर पवन कुमार धनवाल ने बताया कि गांव में भरपूर समर्थन मिल रहा है। बावल में विकास कार्य नहीं हुए, सड़कें टूटी हैं, गांव में पानी की समस्या है। उन्होंने कहा, प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है, लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह है और बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। उन्होंने बताया कि बीते 6 महीने से गाँव में कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रही है। पार्टी जिसे भी टिकट देगी वे साथ हैं। डॉक्टर पवन कुमार धनवाल पहले भी 2 बार बावल से कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार रहे हैं। लगभग 20 दिनों से झाबुआ के जंगलों में घूम रहे बाघ के कारण आसपास गांवों में दहशत फैल रही है। हरियाणा और राजस्थान की वन विभाग की टीम झाबुआ में डेरा डाले हुए है। उसे पकड़ना तो दूर, नजदीक भी नहीं पहुंच सकी है। जंगलों के आसपास के गांवों के लोग बाघ के डर से खेतों में जाने से भी डरने लगे हैं। ग्रामीण अजीत नरेश पुनित ने बताया कि बाघ के कारण डर बना रहता है, छोटे बच्चे बाहर निकलने से डरने लगे हैं। सरिस्का और रेवाड़ी वन अधिकारियों के बाघ पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। दरबारपुर गांव में 4 लोगों को घायल कर चुका है। वन अधिकारी ने बताया कि काफी दिनों से बाघ ने झाबुआ के जंगलों में डेरा डाल रखा है, शिकार करके वहीं आराम से अपना आशियाना बना लिया, जिससे आसपास गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है।